आइडियोलॉजी की भैया आज ना हमको आपके साथ डांस करके सच्ची बहुत 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 मजा आया। सारे पुराने दिनों का यादें ताजा हो गया। आपको याद है वो बुरी की शादी में हम कितना नाचे थे, उन नागिन डांस भी किए थे, आप उमें कोबरा बने थे। भाभी जी नहीं आई अभी तक, लगता है उस पागल आदमी की वजह से भाभी जी नहीं आ पाएंगी। लड्डू की भैया हम इतना रोमांटिक हो रहे हैं, आप हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। रोमांटिक होता पगली ऐसे ही पगड़े हैं। आज हम कैसे लग रहे हैं देखे ना, कैसे लग रहे हैं आज। अपना मोबाइल दीजिए, अम्मा जी को कॉल करते हैं। अरे पक अम्मा जी को कॉल। अरे भाभी जी, भाभी आइए आइए, भाभी जी प्लीज तशरीफ रखिए, आइए आइए। आइए अनीता जी। हेलो जी, क्या आप कुछ टेंशन में लग रही हैं भाभी जी, क्या बात? बस क्या बताऊं तिवारी जी, विभू को लेकर थोड़ी टेंशन में हूँ। ऐसी हरकतें कर रहा है वो, पता नहीं अभी दिल मचल रहा है मेरा कि अगली क्या हरकत कर बैठे। भाभी जी आप उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में कायदे एडमिट करवा देती। कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी, विभू पागल हो गया क्या जो मैं उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं? सॉरी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। रह गया मोबाइल मेरा। अरे यार कहाँ है मोबाइल? ओह थैंक गॉड मिल गया मोबाइल। अरे अनु तो गिफ्ट नहीं छोड़ गई, मैं गिफ्ट देने जाऊं कि ना जाऊं? देख मैं देख आता। कमिश्नर साहब बहुत तेज की सुसु आ रही है, करिए हूं क्या? रूसा इससे पहले कि ये दुनिया वाले हमसे रूठ जाए और जब बम है ना हमारा खून चूस जाए, मैं ये रिंग पहनाकर एक होना चाहता हूं। टीका टीका टीका, मैंने कहा था कि कोई अपनी जगह से नहीं लगा, अगर हिलोगे तो बम फट सकता है। सांडू साहब हमसे ज्यादा तो आप हिल रहे हो। आप लोग मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? गॉड विभू मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पर आने से, तुम क्यों आए यहाँ? मुझे भी कोई आने का शौक नहीं है, यहाँ पे मजबूरी में आया हूं। तुम इनका ये गिफ्ट बुलाई थी घर पे, ये लीजिए। चलिए अब ठीक है, गिफ्ट दे दिया ना, अब तेल दफाओ ये यहां से। भाभी जी ने भगाई है यहां से, इनका शैतानी हाथ है, कोई ऐसी हरकत कर दी तो सब पे मुसीबत आ जाएगी। विभूति जी ये आप क्या कर रहे हैं? तिवारी जी ने मेरे हाथ की बेइज्जती की है, मिसबिहेव किया है, अभी हाथ अपसेट हो गया है। ये टिक 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 की आवाज कहां से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई टाइम बॉम्ब फिक्स है, ऐसा लग रहा है। नो 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 विभू, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम करो तुम, प्लीज अभी जाओ यहां से, जस्ट गो। भूति जी जाइए यहाँ से, ये हमारा पाउडर है। भाभी जी पाउडर तो आप मुंह पे लगाती हैं, वो आप ऑर्डर कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, जाइए। ओ माय गॉड बॉम्ब तो यहाँ है। झुंझुना ना है जेबों में। आप काहे बोले उनके सामने ही के बारे में? जीजू ये आपने क्या किया पता है आपको? अब हम सबको ना फटने से, मेरा मतलब है मरने से कोई नहीं रोक सकता। रूस
रूसा रूसा वैसे ही मरना है हम लोगों को, तो ऐसे ही मर जाते हैं। अरे आप ये कमिश्नर हो के हवलदार टाइप की बातें काय कर रहे हैं यार। अरे तो वॉलीबॉल खेलने लगा यार। अरे बॉल नहीं है, बॉम है, बॉम। अरे भैया अरे अरे भैया पड़ जाएगा, पड़ जाएगा बॉम। अरे विभूति सेठ इस बम में है दम, अगर ये फट गया तो तुम रहोगे ना हम, और मैं कुवारा नहीं मरना चाहता। ये क्या कर रहे हो, ये बॉम है बॉम, बॉल नहीं है जिससे खेल रहे हो उछाल उछाल कर। क्या कर रहे हैं यार विभूति भैया, यहाँ बम को लेकर ना आप कहीं चले जाओ, अब भाग जाओ यहाँ से, कहीं चले जाओ बम को लेकर। कैसी बकवास कर रहे हो तुम क्या चाहते हो कि मेरा विभू बम लेके बाहर जाए, बम फट जाए और ये टैप हो जाए? हाँ, अरे भाभी जी अगर इतने सारे लोगों की जान बजाते बजाते भभूति जी टै बोल गए तो हम इन्हें शहीद का दर्जा देंगे, मॉडर्न कॉलोनी के ठीक बीच चौक में इनका पुतला बनाएंगे। ये लो सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक रास्ता खुला हुआ होता है, लेडी लक का रास्ता। हमारे बीच में एक बहुत ही लकी लेडी है। विभू मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस लिहाज से मैं हार्डली लकी हुई। ये तो है, सही बात है। बेबी मैं भाभी जी की बात कर रहा था। आह दिया, हम का लौकी है। भाभी जी लौकी तो कद्दू का कहते हैं, आप वो लकी कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। तो अभी बताइए आपको मैं कौन सा वायर काटूं? Which is your favorite color? There's a green here, red here, and the yellow. नहीं नहीं, हम तो बोलते हैं आप काला वाला काट दीजिए। क्या कर रहे हैं भैया? ये मार्केट में क्या साड़ी खरीदने आए हैं क्या? भाभी जी, काला वाला तो है नहीं इसमें। दिया, तो भगवान का नाम लीजिए, आँख बंद कीजिए और जो कटता है वो काट दीजिए। विभू यार इनसे क्यों सवाल पूछे, उन्हें कैसे पता होगा कि कौन सी वायर काटनी है? यार मलखान, मरने से पहले एक बार सुसु कर लेता वरना मेरी आत्मा भटकती रहती यार। अबे वो विभूति है, मेरे पास एक आइडिया है। बोलना बकना। तू एक काम कर, लाल वायर काट दे। क्यों? अबे वो विभूति है, कल रात को मैं एक फिल्म देख रहा था, उसमें हीरो बॉम्ब की लाल वायर काट देता है। अरे यार आप क्यों हमारी जिंदगी की वायर काटने में तुले? भैया मेरे पास एक सिद्ध किया हुआ भभूत है, अगर वो भभूत बम पे फूंक दे तो बम डिफ्यूज हो जाएगा। ओ माय गॉड सिर्फ पता टाइम कितना रह गया है? 30 seconds। 30 seconds। रूसा मुझे माफ कर दो रूसा, जा जन्म में हम ना शादी कर पाएंगे, जा हमारे छोटे छोटे टीकू टिकली है पाएंगे। तुम मुझे इमोशनल मत करो, सुनो ये रूसा का प्रॉमिस है, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे, शादी भी करेंगे और हमारे बच्चे भी होंगे। थी लगता है निकल गया यार। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम आप बच तो गए। बम तो कमिश्नर साहब के लिए था, फंस गए बेचारे भभूति जी। भाभी जी आपने वो कहावत सुनी है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उसी तरह ये बम तो था कमिश्नर साहब को उड़ाने के लिए, लेकिन उड़ा कौन? विभूति भैया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी आदमी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपनी बैंड खुद ही बजवा लेता है, जबकि वो बैंड किसी और के लिए बजनी होती है। विभू प्लीज डॉक्टर साहब को ना इतने गुस्से से मत देखो, सही कह रहे हैं वो। तुम्हें बड़ा शौक था ना हीरो बनने का? मुझे कोई शौक नहीं हीरो बनने का यार। डॉक्टर साहब आए। अरे वाह, विभूति भैया के जितने भी टेस्ट किए थे ना उनकी ताजा ताजा रिपोर्ट आ गई है, तो आप लोग गौर फरमाइएगा। डॉक्टर साहब आप रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं, मुशायरा नहीं, जो हम सारे मिलके गौर फरमाएंगे। अरे भाभी जी बात ही इतनी खुशी की है, दरअसल इस बॉम्ब के फटने के साथ साथ विभूति भैया की जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी ना वो भी अपने आप ठीक हो गई। सही बताएं विभूति भैया, तो इस बॉम्ब ने डॉक्टर का काम किया है। ठीक बा डॉक्टर साहब, जब भी आपके अस्पताल में कोनो बीमार आए ना हमरे पास भेज दीजिएगा, हम बम फोड़ देंगे।
तेरी नजर में आओ, अरे व्हाट, क्या हो गया? देखो ना मौसम कितना हसीन हो रहा है, आओ चलो बाहर चलते हैं। नो 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 प्लीज बेबू, मेरा मूड नहीं है। कम ऑन बेबी, ये बादल छट जाएंगे फिर गिना, फिर मजा किरकिरा हो जाएगा, चलो ना। आई अंडरस्टैंड दैट बेबू, बट इट्स जस्ट दैट आई हैव हैड अ लॉन्ग डे और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। चुप करो। Oh my God, what's wrong today? जारी रखिए अपनी इस यौवन बरखा को ताकि तृप्त तो हो हमारे अरमान रूपी भगीरथ के शाप पीड़ित पूर्वज। जारी रखिए अपनी इस यौवन की बारिश को ताकि तृप्त तो हो गरीब किसानों की कामनाओं की फसल। एक मिनट तिवारी जी, ये क्या अरमानों की फसल, कामनाओं की फसल, क्या कह रहे हैं आप? क्या बताएं भाभी जी, जब भी आपको देखते हैं तो शब्द बस यूं ही ऐसे निकल जाते हैं। निकल जाते का क्या मतलब है? ऐसे कैसे निकल जाते हैं ये मुझे बताइए, आपका आपकी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है? क्या बताएं भाभी जी, आपको देखकर कंट्रोल ही नहीं रहता है। क्या 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 कहा आपने? आपके होंठ क्यों ऐसे फड़फड़ा रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है भाभी जी की ऐसी कोई बात नहीं है। फिर और कैसी बात है तिवारी जी? अच्छा खासा मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी, रिहर्सल कर रही थी, आपने बीच में आके सारा गुड़गोबड़ कर दिया। नहीं भाभी जी, हमारा मकसद आपको डिस्टर्ब करना कतई नहीं था। तो फिर आप छुप छुप के मेरा डांस क्यों देख रहे थे? ठीक है भाभी जी, अगर आपका नृत्य देखने के चार्जेस लगते हैं तो फिर वो भी देने को तैयार है। व्हाट डिड यू जस्ट से राइट नाउ तिवारी जी, आपको मैं क्या लगती हूँ? आपको मैं सड़क पे डांस करने वाली लगती हूँ कि आप पैसे देंगे और मैं आपके लिए डांस करूंगी? यार हम तो भाभी जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये मुंह से क्या निकला जा रहा है। भारी जी, फिर से आपके होंठ फड़फड़ा रहे, आप मुझसे कहिए ना, वहाँ किससे कह रहे हैं आप? नहीं भाभी जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। भारी जी, क्या आप मुझे गाली दे रहे थे? अरे ये क्या बात कर रही भाभी जी, हम अपने आप को गाली दे सकते हैं लेकिन आपको गाली नहीं दे सकते। आप जानते हैं बड़े बुजुर्ग क्या कहकर गए, जो खुद को गाली दे सकता है ना वो सामने वाले को भी गाली दे सकता है। हमें लगता है भाभी जी का प्यार पाना कम से कम इस जन्म में तो संभव नहीं है। तिवारी जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, बीच कॉन्वर्सेशन में निकल जाते हैं ये, कभी भी आ जाते कभी भी जाते, घर के क्या है ये? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। भाभी जी आपने आज पहली बार देखा है साजन की आंखों में प्यार? ये तो सदियों से है। आ का बोले भाभी जी, आप बताइए कैसी हैं आप? हम तो एकदम ठीक बा। दिया, आपको पता है कल रात को हमें एक फिल्म देखे। वाओ हाउ एक्साइटिंग। भाभी जी कौन सी फिल्म देखी आपने? लव इन टोक्यो। एनीवे भाभी जी, आप वो लव इन टोक्यो कहना चाह रही? सही पकड़े हैं। आई नो दिस प्लेस इज समवेयर इन जापान। आगे बढ़िए। हाँ, इस शहर में दोनों मिलते हैं और वहाँ उन दोनों को प्यार हो जाता है। अभी हम तो कब से मुंतजर हैं कि कानपुर में ही हो जाए, टोक्यो तो बहुत दूर की बात है। क्या कहा बोले? अरे भाभी जी फिर क्या होता है? What happens? अब वो जो लड़का है ना, हीरो, वो अपने पड़ोस वाली भाभी से प्यार करता है। अच्छा जी, वो भी करता है? लगता है हमारा आइडिया चला लिया फिल्म वालों ने। क्या बोले? भाभी जी फिर क्या होता बताइए। आगे आगे ना वो हीरो पड़ोस वाली भाभी को लेकर भाग जाता है। काश के फिल्म की स्टोरी मेरी हकीकत की स्टोरी से मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। माय गॉड। आप क्या बोले? अरे भाभी जी फिर क्या होता है? फिर क्या होगा, हीरो हीरोइन को लेकर भाग गया, हैप्पी एंडिंग हो गया और का। भाभी जी क्या हमारी कहानी कभी हैप्पी एंडिंग होगी? आप क्या बोले? अरे भाभी जी क्या आप इस तरह की कहानियों में बिलीव करती हैं, स्टोरी से बिलीव करती हैं? कैसा स्टोरी? वेल मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी आपसे इश्क करने लग जाए, मोहब्बत करने लग जाए। उम्मे मानना का है,
हमरा पड़ोसी तो हमसे बे इंतहा ऐसा करता है और ये बात हम जानते भी हैं। हाँ, और कहना कि हम भी उको जी जान से चाहते हैं। यार मलखान, अगर मौसम की अपडेट हमें अच्छे से मिल जाए तो कसम खा के कह रही हूँ भैये, बहुत बढ़िया बाइट मिल जाएगी हमें। यार टिल्लू, यार मौके हिसाब से लग रहे हो यार बारिश होने वाली है, तो जा हिसाब से ना यार बारिश की भविष्यवाणी कर देते हैं। ना बावले बारिश ना पड़ेगी, ठंड होगी। और यार मुझे तो ठंड से एहसास भी हो रहा है सच्ची। यार फिर वही बात, यार यार गर्मी भी तो पड़ सकती है। ठंड पड़ेगी, गर्मी, अबे ठंड पड़ेगी, गर्मी यार, अबे ठंड पड़ेगी। अरे लौंडो क्या यार, क्या जाहिलों जैसी बहसबाजी कर रहे हो? घर की पंचायत है क्या ये? मौसम घर की पंचायत है नहीं ना, कि तुम्हारे अंदाजे से मौसम का मिजाज जो है वो बदलेगा। सॉरी भैया। यार सॉरी यार, तुम लोगों को समझना चाहिए कि अब तुम लोग मौसम चैनल के रिपोर्टर हो, गली के आवारा लौंडे नहीं हो तुम। सॉरी सक्सेना जी, हम तो बस यूं ही बस आपस में बात कर रहे थे। वो ऐसे ही कुछ नहीं होता है, यूं ही कुछ नहीं होता है। यूं ही अगर हमने बोल दिया ना भैया कि आज रात आसमान से गरज के साथ अंडे पड़ेंगे, तो तुमको पता है क्या होगा? लोग अपने अपने किचन से फ्राई पैन उठा के ले आएंगे ताकि अंडे पड़े वो इकट्ठे करें और ऑमलेट बनाएं। हमारी हर बात पे यकीन करते हैं ये लोग। इस बात को मत भूलो कि हम समाज का आईना हैं। हाँ ठीक। क्या बात है भाई लौंडो, तुम लोग तो स्टार बन गए। अरे हाँ, कल रात हमने इन्हें टीवी में देखा। बस मास साहब, आप ही को आशीर्वाद है। सक्सेना, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। ये साले लौंडे सारा दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और अगर्दी किया करते थे। हाँ। अरे नहीं नहीं प्रेम भाई, ये तो कल की बातें थी, आजकल तो ये लौंडे बड़े कामकाजी हो गए। क्यों मास्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे नहीं नहीं प्रेम भाई, ये तो कल की बातें थी, आजकल तो ये लौंडे बड़े कामकाजी हो गए। क्यों मास्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है, शहर की लड़कियों को अब थोड़ा सुकून मिलेगा। हाय रूसा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। पता है मैंने आप दोनों को ना टीवी पर देखा। तिवारी जी, ये क्या हरकत है आपकी? मुझे आप आमिर खान अपने आप को करिश्मा कपूर समझ रहे हैं क्या? बिजली कड़की और लिपट गए आप। मोदी जी, आप शायद जानते नहीं कि जब भी बिजली कड़कती है ना, हमें बहुत डर लगने लगता है। ओ, तो फिर आप कंस प्रजाति के होंगे, क्योंकि जो लोग कंस प्रजाति के होते हैं बिजली उन पर ही गिरती है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे ना, नहीं तो हम दोबारा आपसे लिपट जाएंगे और बिजली हम पर गिरेगी और लपेटे में आप भी आ जाएंगे। प्लीज दूर रहिए मुझसे, आपके पास से कड़वे तेल की बू आती है और आपके मुंह से कच्ची प्याज की। ठीक है, भगवती जी मौसम बड़ा सुहावना हो रखा है, मन कर रहा है कि भाभी जी को ऐसे बगल में बिठा ले और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए। आपकी भाभी जी के साथ। सही में तिवारी जी, मौसम तो बड़ा बेईमान सा हो रखा है। मजा आता है जब भाभी जी बगल में बैठी हो, बिल्ली कड़के और भाभी जी चिमट जाए हमसे एकदम से। अरे आपकी भाभी की बात कर रहा हूं यार, घूर रहे बेकार में। अबे चाय ला यार। क्यों बे सालो फालतू खोरो, तो तुम लोग यहां बैठे हो? है आओ भाई, भेड़िया की शक्ल के। कैसे हो? अच्छा, और साले तू बकरी की शक्ल का। काम की बात कीजिए, काम की। अबे अपने पड़ोस में एक फ्रॉड बाबा आया हुआ है यार, जो बड़े दावे के साथ कहता है कि वो लोगों को उनका प्यार दिलवाता है। आप यहां क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं लानत में लपेट के आपके मुंह पे मारता हूं और पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? What are you doing here? What? अरे वो हम तो ऐसे ही बस थोड़ा तनिक बस। अब जो भी बोलेंगे
झूठ बोलेंगे, बिकॉज झूठ आपकी रगों में बहता है। हम झूठ का ही बोलेंगे तो बताइए क्यों आए आप। पहले आप बताइए आप क्यों आए हैं। हम तो भाभी जी के दिल में अपनी मोहब्बत जगाने आए। क्या 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 था आपने? आपकी भाभी जी अन्नू के दिल में। ओ, मतलब आपके और भाभी जी के बीच में कोई मोहब्बत है ही नहीं। मतलब आपका और भाभी जी का रिश्ता जो है मजाक का रिश्ता है, और आपने भाभी जी से जबरदस्ती शादी की है। ओ शट अप, कीप योर बोन बॉक्स शट। ऐसा कुछ भी नहीं है, अनु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे प्यार में कुछ कमी है। बाबा जी, हम एक समस्या लेके आए हैं। हम जानते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। क्यों लैला? बाबा, हम चाह रहे थे कि अकेले में चर्चा हो जाती तो बेहतर रहता। मेरी भी ये राय थी कि जरूरत नहीं, अपनी अपनी वालियों का मन में ध्यान कर लो। क्यों लैला? तुम्हारा नाम क्या है डार्लिंग? सूरज प्रकाश। चंद्र प्रकाश। सोच लो, हमने सूरज प्रकाश और चंद्र प्रकाश के नाम से मंत्र पढ़े तो औरतें सूरज प्रकाश और चंद्र प्रकाश को ही मिलेंगी। मैसल विभूति नारायण मिश्रा। मैसल मनमोहन तिवारी। वेरी गुड। एक हफ्ते तक बिना नहाए, बिना धोए, बिना खाए, बिना पिए, बिना चादर, बिना तकिए, बिना छत, खुले में रहना होगा। क्यों लैला? That's it? Just for a week? Oh, come on! मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा बाबा जी, अगर आप मुझे कहें तो 15 दिन तो मैं आराम से खेलते हुए निकाल दूं। इस बार क्या निकाल लेंगे? दिमाग फिर गया क्या आपका? अरे यार, एक हफ्ता मतलब एक हफ्ता, आपके पास तो कुछ काम धंधा है नहीं, आप तो काट लेंगे। हम तो काम धंधे वाले आदमी है ना। स्वामी जी, बाबा बाबा, एक हफ्ता ठीक रहेगा। वेरी गुड जी, तो लग जाओ काम पे अभी से, और 5,000 निकालो जल्दी से। क्यों लैला? इलाटू के भैया आए कहाँ ना है अभी तक? कॉल करके देखते हैं। Number you have called is currently switched off. Hey Diya, ये मोबाइल भी बंद करके रखे हैं, काहे बंद करके रखे हैं? Hey Diya, कहाँ रह गए होंगे? किसे पूछेंगे हम? अनीता जी को कॉल करते हैं। हाँ गुरु जी, how are you? Hello अनीता जी। देखिए ना, लड्डू के भैया अभी तक घर नहीं आए हैं। हाँ, विभू भी नहीं आया अब तक। हाय दिया, अब वो दोनों साथ ही है ना? हाँ हाँ, साथ ही है। मुझे विभू का फोन आया था, उसने कहा कि दोनों साथ में ही हैं, आते ही होंगे। नो मरे, हमको तो बहुत घबराहट हो रहा है। अरे घबराने की क्या बात है अंगूरी जी, बच्चे थोड़ी है, हम दोनों से तो ज्यादा सयाने वो दोनों है। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक बा। कुछ देर के लिए रुकते हैं, अगर नहीं घर आए तो फिर मैं पूछताछ शुरू करती हूँ, ठीक है? ठीक बा। कीप इन टच अनीता जी। इट्स कीप इन टच अंगूरी जी। सही पकड़े हैं। हाँ ठीक बा, बाय बाय। ओके बाय। तिवारी जी। जी। उधर क्या सोचा है आपने? भाई, हम तो भाभी जी का प्यार पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाएंगे भभूति जी। अरे आपकी भाभी जी का प्यार पाने के लिए यार, आपने क्या सोचा? हम भी तो भाभी जी के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। अरे आपकी भाभी जी के लिए यार, तो फिर क्या सोचा आपने? मतलब जब तब करना तो हमारे खून में है, लेकिन इसमें एक तो अड़चन है। क्या अड़चन है? यही कि अंगूरी पता नहीं इस बात के लिए मानेगी या नहीं मानेगी। अनु तो मानेगी ही नहीं, आई नो,
बहुत ही हट्टी, बहुत ही जिद्दी है वो। लब्बो लबाब ये है कि हमारी पत्नियां जो हैं वो नहीं मानी। यार सीन को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं यार, कम टू द पॉइंट। देखिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या हम अपनी बीवियों से झगड़ा कर लें? नहीं, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमें डाउट है कि ऐसा करने के बावजूद भी क्या वो हमें घर से बाहर निकालेंगी या भाभी जी का तो पता नहीं, लेकिन अनु तो फॉर श्योर खड़े खड़े लात मार के निकाल देगी। वो तो हमें पता है, क्योंकि भाभी जी की नजर में माफ कीजिएगा आपकी कोई इज्जत है भी नहीं। भाभी जी, जी क्या बकवास कर रहे हैं आप बेतुकी, सेंसलेस। और मैं माफी चाहूंगा, भाभी जी भी कोई आपसे ज्यादा कोई ऐसा विशेष प्रेम नहीं रखती है। देखिए जितना भाभी जी आपसे प्रेम करती है ना, उससे तो ज्यादा ही करती है, माफ कीजिए। ओह शट अप, किसकी बीवी किससे कितना प्रेम कर रही है इसका कॉम्पिटिशन नहीं है, कम टू द पॉइंट। और जैसा मौसमी चटर्जी बाबा ने कहा है एग्जैक्टली वैसा कीजिए, रायता मत फैलाइए। बीस रुपए हुए हैं। जलीलों, टुडे वाज सच अ फ्रूटफुल डे। आह, कब आए तुम, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा क्या करूं कि आपको मालूम चल जाए कि मैं आ गया हूं, ढोल बजाऊं, नगाड़े पीटूं, टेल मी। ऐसे थोड़ी कहां, क्या विभू। हाय दिया, अले जी भैया आप आ गए। नहीं आए नहीं है, ये तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये हमारा पुतला है, पुतला। हमने को तो जोक मारा, जोक मारा का जो तथाका मार मार के हंस रही हो। वो का है ना कि आज हम एक डॉक्टर के पास गए थे, वो बोले हमको कि हमको सारा दिन हंसना है, हर बात पे हंसना है, और आज तो आप बहुत ही मजाकिया लग रहे हैं हमको। अरे यार ये क्या तोता पाले बैठी है, ऐसे हाल में तो इसे गुस्सा दिलाना भी मुश्किल होगा। वो सब छोड़ो, कॉफी पियोगे? हाँ, अगर मैं कहूंगा मैं कॉफी पीऊंगा तो तुमको यस, जाओ दो कप कॉफी बना के लेके आओ। तुमने क्या यस सर्वेंट समझ रखा है? यू थिंक आई एम द सर्वेंट ऑफ दिस हाउस? व्हाट डू यू थिंक? मैंने ऐसे लेकिन कहा है कब? मैंने तुमसे कहा कॉफी बनाने के लिए? हाँ नहीं कहा। अगर तुम कहती भी तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लेता? झगड़ने के मूड में हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा झगड़ने के मूड में होता हूं? Why? Because मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है I want to fight. ऐसा लिखा हुआ है कि I really want to have a fight with you. Huh? Vipu. I'm crazy, I'm mad. कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? हाँ मुझे बताओ, नशा वशा करके आओ क्या आज? Tell me, मैं सिर्फ नशा करके तुमसे बात कर सकता हूं ना, होश में तो तुम तेरा गला दबा दोगी, you'll kill me, हाँ? That's what you do. हाय दिया, ये क्या बोल रहे हैं आप? हम कब आपका गर्दन दबाए? क्यों? जब भी तुम्हें हमारी बैंड बजवानी होती है तब तुम अम्मा को कॉल करती होगी नहीं? वो तो हम आपके फायदे के लिए करते हैं। कोई फायदे वायदे के लिए नहीं करती हो तुम, हमें कबूतर बना के पिंजरे में कैद कर लेना चाहती हो। चुप कीजिए, आइडिया कुछ भी अजीब अजीब बातें किए जा रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।